ओए होए होए रोड देखो यार, चेक करो भाई, बर्फानी रीस तैयार हो रहा है। ये इतनी मजेदार किस्म की पीक है ना, ये देखने में बंदे को मजा आता है इसको देख के ही। सारे गंदे ग्लेशियर हुए हैं वैसे। अगर अभी यहाँ पे वहाँ चल गई ना, फिर भाई जान सिंगल शर्ट क्या जैकेट भी नहीं बचा सकती बंदे को। बड़ा रश है यार बबूसर टॉप पे, ये देखो सब जिप लाइन चैन लगी हुई है, इधर कॉफी वाले लोग घूम रहे हैं, इतना रश। ओ भाई साहब, एकदम से बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, ओले पड़े ओले। यहाँ पे हुई थी पेट्रोल की शॉर्टेज, क्योंकि एकदम से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ गए। आगे दरवाजे के पास रुक देना। वेलकम टू गिलगित बॉयज, कौन के गिलगित। बढ़िया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स, होप सो सब ठीक होंगे। तो भाई सुबह हो चुकी है, अभी काफी लेट हो गया है, अभी सुबह सुबह मैंने ड्रोन शॉट लिए, वो आप लोग पहले चेक करें जरा, और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे आगे बाबू सर, लुलू सर और वो सब जगह। और आज का प्लान है हमारा, हमने पहुंचे हैं जी गिलगित। राइड सारा पैक हो चुका है, बाहर के भी मजेदार किस्म के हुए हैं, बस ये मैंने राइडिंग सूट पहने हैं एंड देन निकलेंगे। चेक करो भाई, बर्फानी रीस तैयार हो रहा है बर्फों में जाने के लिए। निकलते साथ ही पैसे लोग रुके हुए थे नाश्ते के लिए, एक मिनट की राइड भी नहीं की फिर नाश्ते के लिए रुके, अब फिर घंटा डेढ़ इधर ही लगेगा। ये आ गया हमारा नाश्ता, अंडे विद पराठे, चाय नहीं मंगवाई। चलो भाई फिर किस्म का नाश्ता नुश्ता हो गया, अभी हम एक सीक्वेंस में जा रहे हैं। कल ये लोग बार बार आगे पीछे हो रहे थे, अब मैं हूँ, फिर वर्क है, फिर उमर भाई हैं, फिर बाकी पीछे हैं, सबसे पीछे फैसल भाई हैं, क्योंकि मेरे पास और फैसल भाई के पास होती है किट, तो कोई भी आगे पीछे हो गया ना, एक तो हम रोक भी लेंगे और किसी का मसला भी हो गया तो किट हमारे पास होगी। चलो भाई लेट्स गो टू बाबू सर टॉप टिपो टॉप। ओए होए होए रोड देखो यार, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ रोड। बाबू सर की चाइयाँ जा रहे हैं, वो सामने है ज़बरदस्त टाइगर पीक। ओए होए होए, ये नीचे सारा जलखट है ये वाला एरिया, और सामने टाइगर पीक, क्या खूबसूरत व्यू, और आज कितना क्लियर व्यू है सारा, बिल्कुल क्लियर। कल यहाँ पे भाई साहब इतने बादल थे इतने के बाबू सर नहीं नज़र आ रहा था, तो टाइगर पीक का ही नज़र आने थी। लेकिन यार ये इतनी मज़ेदार किस्म की पीक है ना, ये देखने में ही बंदे को मज़ा आता है इसको देख के ही। ओए ये आया ना ग्लेशियर, इसको कहते हैं ग्लेशियर, कुछ थोड़ा बहुत तो आया है। वेलकम टू लुलू सार दुधिपत्सर नेशनल पार्क, पार्क में एंटर हो चुके हैं, बस यहाँ से तकरीबन 23-24 किलोमीटर है बाबू सर, और हम पहुँच जाएंगे बाबू सर में। वो नीचे है सारा बेसल, यहाँ से ही नज़र आना शुरू हो गया है। इतनी सख्त गर्मी लग गई थी ना सुबह, तो जब निकले वैसे टेम्परेचर ठंड का था, लेकिन इतनी चीज़ें पहन ली है ना सर्दी लग गया, और चीज़ें भी वो इस तरह पहनी है कि नीचे जाके पीछे लास्ट में हमें फिर उतारनी पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलेगी गर्मी। सारे गंदे ग्लेशियर हुए हैं वैसे, बाबू सर के जितना करीब जाते जा रहे हैं थोड़े थोड़े साफ़ होते जा रहे हैं वैसे, लेकिन इतने साफ हम मिलेंगे नहीं। कल हो सकते बाबू सर में बर्फ़ पड़ी हो जिस तरह का मौसम था ना, लेट्स सी। वेलकम टू लुलू सर लेक ब्रदर। पहुंच चुके हैं लुलू सर लेक पे, पिछले दिनों कोई महीना पहले ये फुल फ्रोजन थी, अभी जो है प्रॉपर हो चुकी है, धूप शूप निकल आई है, और मजेदार किस्म का जो है ना अभी मौसम हुआ है। ये देखें सिंगल शर्ट में खड़ा हूँ, कहता हुआ अगर अभी यहाँ पे वहाँ चल गई ना, फिर भाईजान सिंगल शर्ट क्या जैकेट भी नहीं बचा सकती बंदे को। लेकिन ये है सारी लुलू सर लेक यार जबरदस्त किस्म की, उस तरफ बहुत रास्ता है, इसलिए हम थोड़ा पीछे ही रुके, हम मेन जगह पे नहीं रुकते, पिछली दफा भी हम पीछे रुके थे, इस दफा पीछे। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं बाबू सर टॉप, बस एक दो किलोमीटर ही रह गया, और ऐसे कोई अनाड़ी ड्राइवर यार, हर जगह हमें अनाड़ी ड्राइवर मिल रहे होते हैं, ना चलाने का तरीका, क्रॉस कर रहे होते हैं मोड़ों पे, बीच में कुछ फिर
अब बसों वाले अच्छा भी चला रहे हैं, ये नहीं है कि सब बुरा चला रहे हैं, बीच में कुछ कुछ सही फिट चला रहे हैं, कुछ कुछ तो ऐसे नाड़ी है ना जो टूरिस्ट आए हैं। खैर उसको छोड़ो, बाबूसर टॉप ऑलमोस्ट पहुँच गए, व्यू पर हमें रश भी मिलेगा, लेकिन इस साइड के व्यूज़ देखो, फुल बर्फो बर्फी सीन हुआ है ऊपर टॉप्स पे, नीचे सारा खाली है। ये देख आप इसके काम देख, आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं फिर भी जा रहा है ये, इसने जाना है, जल्दी पहुँच जाएगा बाबूसर टॉप, इसका चाचा इंतज़ार कर रहा है ऊपर। बाबूसर टॉप 4 किलोमीटर, चिलास 0.45 किलोमीटर, वो पहुँच गया सामने बाबूसर टॉप, टीपो टॉप। बड़ा रश है यार बाबूसर टॉप पे, ये देखो सब जिप लाइन चैन लगी हुई है इधर, कॉफ़ी वाले लोग घूम रहे हैं, इतना रश। बस 5 मिनट हम यहाँ पे रुकेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे एंड देन हम नीचे जाएंगे, ज़्यादा देर इधर रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं, गर्मी भी लग रही है यार अब मुझे अच्छी खासी। सर्दी होने शुरू हो गई थी, हम उससे पहले पहले निकले हैं, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बारिश का मसला नहीं है, मज़ा आता है बारिश में चलाने का, लेकिन बस ये जो कैमरा उतर जाता है ना, आप लोगों को हम नहीं दिखा सकते, खुद देख सकते हैं बड़े मज़े मज़े के व्यूज़। कल हमने क्या व्यूज़ देखे, क्या इन्जॉय किया है, लेकिन वीडियो कुछ भी नहीं बना सका, बस आईफोन से थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स लिए हैं वही लिए हैं। चलो उतरते हैं इससे पहले बारिश तेज़ हो, नीचे वैसे भी हमें गर्मी मिलनी है। ओ भाई साहब एकदम से बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, अभी हम ऊपर नहीं है, ऊपर तो तेज़ होगी होगी, इधर बर्फ़ पड़नी शुरू होगी, ये देखो नीचे अब गोप्रो में तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही होगी, ओए ओले पड़ रहे हैं ओले। अभी मुझे लगता है बारिश भी है साथ साथ, ये देखो कैसे बर्फ़ पड़ी हुई है ये ऊपर, ये देखिए ज़्यादातर बर्फ़ है इसमें, बारिश कम है, लेकिन ये है कि अभी जो है ना मुझे गोप्रो उतारना पड़ जाएगा। ओ हो बड़ी तेज़ होती जा रही है यार, व्हाट अ व्यू ब्रदर। फोन के भाई बंदे हमें मिल गए वापस, ये देखो इधर बैठे हैं सिगरेट पी रहे हैं यहाँ पे बैठ के, बाबू सर पे नहीं रुके इधर नीचे, डेढ़ घंटे से रुके हैं, ये आगे पकोड़े अभी चाय भी आ रही है। वेलकम टू चित्राल भाई साहब, पहुँच गए हम लोग चित्राल, इधर भी बड़ा रश पड़ा, चित्राल कह रहा हूँ चिलास। इधर भी बड़ा रश पड़ा हुआ यार, अभी हमने आगे गिलगित नहीं जाना, थोड़ा सा चिलास के अंदर जाना है पेट्रोल डलवाने के लिए, यार इधर भी रश है यार, हम जाएंगे पहले चिलास। यार यहाँ पे हुई थी पेट्रोल की शॉर्टेज, क्योंकि एकदम से टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए, वो टैंक से पेट्रोल उनके टैंक में जा रहा है और यहाँ से निकलता जा रहा है, तो बहुत स्लो आ रहा था, तकरीबन हमें घंटा लग गया पेट्रोल डलवाने में, काफ़ी टाइम लग गया। चलो खैर डल तो गया है, हमारे पास इतना भी नहीं था ना कि हम गिलगित तक जा सकते, मेरा और वर्का का बाकियों का तो फिर भी था। यार अभी हम लोग चिलास से थोड़ा पीछे हैं, और यार क्या हुआ बाइक पूरा एक साइड पर जा रहा है, बाइक चल ही नहीं रहा, 30-40 50 30-40 जा सकते ऊपर जा ही नहीं पा रहे, बाइक उठा के फेंकते हैं, ओ फिर आई वही ना थोड़े से इधर हो जाओ। और ये पत्थर भी आ सकते हैं, ये भी देखना, हमने खुला मैदान है, सही रेतला मैदान। यार फिर दिन बैठ, फिर बारिश लग गई यार, एक ही टूर में तीसरी दफ़ा बारिश। और दूसरे दिन में यार ये क्या सीन है यार, जब से मैंने बाइक लिया है ये पहला टूर है, इस ये वाला बाइक लिया है ना, ये पहला टूर है जिस पे बारिश हो रही है, ना कराची में हुई, ना चित्राल में हुई, ना सुकरदू में हुई, इस ट्रिप में तो हो ही रही है। पाँच मिनट के लिए रुके हैं हम लोग जगलोट व्यू पॉइंट पे, जगलोट व्यू पॉइंट कह रहा हूँ, 3 जंक्शन व्यू पॉइंट पे। आज जो है ना मौसम पहले से काफ़ी बेहतर है, आज गर्मी नहीं लग रही क्योंकि पीछे बारिश मिलती रही हमें वक्त वक्त से ना, मौसम फिट है, सामने धूप निकली भी तो है उस साइड पे, लेकिन हमारी वाली साइड पे नहीं है।
आगे दरवाजे के पास रुक देना। वेलकम टू गिलगित बॉयज, पहुंच गए गिलगित। ये रहा गिलगित का गेट और वो पीछे देखो यार, क्या खूबसूरत पीक है यार, फुल बर्फ से भरी हुई है। ये पता नहीं अब है कौन सी। मैं तुझे कहा गया था। जी सर। मैं तुझे क्या कहा है? क्या तू क्या कह रहा है? आई एम डूइंग माई स्टाफ। व्हाट आई टोल्ड यू? यू टोल्ड मी टू गो विद स्पीड। ओके लेट्स गो। भाई हम लोग गिलगित में होटल में, एक जबरदस्त वीआईपी पार्क होटल है यहाँ पे, उसमें हम लोगों ने स्टे किया हुआ। पूरा बड़ा फैमिली रूम ले लिया है और जबरदस्त किस्म का रूम है। इधर बड़ा ये लॉन बना हुआ है, रात को इधर बैठ के खाना चाना खाएंगे। मुझे एक काम करना था, आपको पहले रूम दिखा देता हूँ। ये रहा भाई रूम, एक बेड, दो बेड, तीन बेड, चार बेड, वो पांचवा मेरा बेड। मतलब जो कल कसर रह गई थी ना रूम की और सुकून करने की, वो आज दुबा के पूरी होगी। ऐसा भी जरा नहाना तो नहीं। और फिर लैपटॉप यहाँ पे मेरा लग चुका है, मुझे एक जरूरी काम आया हुआ है और मैंने वो करना है।